प्रोजंगुर मेरे सपने मत छीन लो। अल्लाह ये सपना हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, बॉलीवुड से आया है मिस्टर एंड मिसेस माही, इसका जी आया है ट्रेलर, तो देख लेते हैं। राजकुमार राव हैं, जानवी कपूर हैं और जी शरण शर्मा ने डायरेक्ट की है। आजकल जो है मलयालम मूवी और बाकी जो है बांग्ला की मैंने देखी, बड़ा मज़ा आया मुझे देखकर। तो देख लेते हैं जी बॉलीवुड का क्या सीन है, क्योंकि वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं, नो डाउट। जो बात है, जो बात है, आप लोग भी मानते हैं कि देख के ना मज़ा आ जाता है। तो देखते हैं जी, राजकुमार राव जो है ना वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अभी इनकी जो है मूवी आई है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सच में मंझे हुए स्टार हैं ये। वो स्टार हैं जिनका काम बोलता है, मुझे इनका काम बहुत पसंद है। इनका ये नहीं होता कि हमारे लुक्स कैसे लग रहे हैं, इनका ये होता है यार हमारा काम कैसा लग रहा है। क्या ख्याल है आपका? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर करना है। और अनीशा ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन करें जो कि इंस्टाग्राम पर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आपको रीडिंग बहुत पसंद है ना? क्या क्या पढ़ती हैं? एमा, जेन एयर, एलेनोर एंड पार्क। आप पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ मैं, पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं आप? मैं अखबार, मैगजीन, ट्विटर, फेसबुक, दुकान के बिल। देखा तेनू पहली पहली बार होने लगा दिल। संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही। नाम भी एक है। माही भैया फ्रंट फुट पे छक्का मारना है। बच्चे मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना। बताया क्यों नहीं, तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है? मेरे लिए ना क्रिकेट इज लाइफ, बट लाइफ इज क्रिकेट। ओ जादू है रे जादू, तेरी बातों में सुनी सुनी काली काली रातों में। और हम करके थक गया तो थोड़ा काम कर लो, दुकान में जरूरत पड़ती है। भाई भैया तो आपका फोटो क्यों नहीं है? बेटा जो जीवन में छक्के लगाते हैं वही यहाँ नजर आते हैं। बस एक सलाह दे दीजिए प्लीज, प्लीज मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा। मेरे सपने मत छीन लो। ये सपना हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए। तुमने स्कूल में पहले क्रिकेट खेला है क्या? नहीं, बस मोहल्ले में खेलती थी। क्यों? कि तुम मारती नहीं हो, तोड़ती हो माई। मैं तुम्हें क्रिकेटर बनाने वाला हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। क्रिकेट? अरे माई, मैं कुछ करूंगा तुम्हें। ये ख्याली पुलाव है। वो बता, तुम डॉक्टर क्यों बनी माई? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे। तुम क्या बनना चाहती हो माई? तुम अपने दिल की आवाज सुनो ना, तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो। ये चांस क्यों ले रहे हो? मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे टैलेंट पे। ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। और है कौन मेरा? सो स्वीट। मेरा हाथ सर पे है ना बेटा, तो दाल रोटी मिल रही है। जिस दिन हाथ हट गया ना, पता तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? जिस दिन मेरा सिखा प्लेयर इंडिया खेलेगा ना, यहाँ बीच में फोटो लगाओगे मेरा। कभी भी मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? मेरा मौका था सबको बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में। मैं क्रिकेट के लिए बनी नहीं हूँ। क्रिकेट वो चीज है ना माई, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए। 31 मई 2024। क्या बात है यार, फुल इमोशनल और जो है टची मूवी है। अच्छा, स्टोरी यही है कि एक लड़का है और उससे बनना कुछ और होता है, जो बन कुछ और जाता है। और बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार इस बंदे ने, और एक्टर तो नो डाउट अच्छा है। और जानवी भी अच्छी एक्टर है, जितनी इनकी मूवी देखी है, जैसे कि उसमें तो उनको लुक्स देने इमोशनल कुछ है, जैसे कि डिसेंट सा एक लुक है माही का। फीमेल माही की बात हो रही है, ठीक है, और मेल माही दोनों का नाम एक जैसा है। थोड़ा सा ये चटपटी होने वाली है। और सबसे मेन चीज़ यार जो बहुत ही बुरी लगती है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी मर्जी थोप देते हैं बच्चों के ऊपर, तो फिर वो बेचारे उसके लिए ही वो करते हो कि शुरू से बच्चा एक जो है ट्रैक पे चल रहा होता है, फिर वो अलग से नहीं सोचता। मतलब दरमियाना रास्ता होना चाहिए ना, ना ही पेरेंट्स की बहुत सुनो ना ही अपनी बहुत करो,
बैलेंस चलना चाहिए दोनों को मिलके, ताकि वो जो, तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि वो जो है बनना कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत अपने काम में माहिर होता है, जो वो जो है कर भी रहा होता है शॉप के अंदर, लेकिन जो है उसको उसका ड्रीम और कोई होता है, फिर उसकी वाइफ और उसका जो है दोनों के सेम शौक होता है क्रिकेट, और जब वो दिखता है कि यार ये इतना अच्छा जो है खेल सकती तो क्यों ना मैं अपना ख्वाब जो है पूरा कर सकूं, लेकिन अपने ऊपर नहीं अपनी वाइफ के ऊपर। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ा अच्छा इसका एक जो है सीन है, ड्रामा है, और हमें बहुत अच्छा जो है चटपटा मिक्सचर भी मिलेगा, और एक्टर बहुत अच्छा, क्योंकि एक्टिंग अच्छी होना तो फिर जो है मज़ा आता है मुझे तो भाई मूवी देखने में। मुझे ये नहीं होता ये इतना बड़ा एक्टर है तो ये इसका लुक ऐसा है, नहीं, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, जो कि लग रही है। स्टोरी अच्छी लग रही है मुझे, और इसके अलावा डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, इमोशनल भी है एक ड्रामा। तो उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर, और मुझे उम्मीद है कि मूवी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती है ना वो यार अच्छी होती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि आजकल लोग मेन यही देखते हैं कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक्शन डाल रहे हैं तो एक्शन के साथ भी स्टोरी हो, कोई ये नहीं एक्शन ही है पूरा, या यही ये लव स्टोरीज भी चलती हैं, लेकिन वो फिर जो है प्योर होनी चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई मकसद हो। तो उम्मीद है जी आज का ट्रेलर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे आप एक कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठोक दीजिएगा सारे जो है कमेंट्स, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अनीशा ऑफिशियल, मुझे ज्वाइन करो, ओके जी, बाय।